So, the chapter of today is Letter to God, First Flight, First Chapter from 10th Class. Letter to God, written by G.L. Fuentes, full name Gregorio Lopez Fuentes, birth 17th November 1897, death December 10, 1966. A Mexican novelist, poet, and journalist. Let us start the chapter, The House. First word of the chapter is house. It shows that the scene of the lesson has been set at the house of protagonist of the chapter, named Lencho. First student's first letter, first sorry, first word ही chapter का the house है. तो इससे हमें यह पता चलता है कि chapter की जो scene है, चैप्टर की जो सेटिंग की गई है वो लेंचो के घर की है. द ओनली वन इन द एंटायर वैली, और इस वैली में, जिस भी वैली का ये सीन है, उस वैली, पूरी वैली में अकेले लेंचो का ही घर है. सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, और इनका घर एक लो हिल, एक निचली पहाड़ी की क्रेस्ट, यानी निचली पहाड़ी के टॉप पार्ट पर बना हुआ है. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. From this height, यानी कि जिस height पर, जिस crest पर उसका लेंचो का घर बना हुआ था, उस height से one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. उसकी घर वाली हाइट से, जिस जितनी ऊंचाई पर वो घर बना हुआ था, वहाँ से कोई भी व्यक्ति दूर की रिवर, कॉर्न फील्ड आराम से देख सकता था. कॉर्न फील्ड वो जिनमें जगह जगह डॉट्स की तरह जगह जगह फ्लावर्स खिले हुए थे, फ्लावर्स ब्लूम कर रहे थे, और उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छी हार्वेस्ट इस बार लेंचो को उसके खेतों से मिलने वाली है. प्रॉमिस्ड मीन्स होप देना, एक्सपेक्टेशन देना, उम्मीद देना, यानी उसके खेतों में जगह जगह ब्लूम करने वाले फ्लावर्स उसको ये एक्सपेक्टेशन दे रहे थे, उसको ये उम्मीद दे रहे थे कि इस बार उसकी हार्वेस्ट, यानी कि उसके फील्ड से जो कल्टीवेशन मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. इस समय खेत को या उसके फील्ड को केवल एक ही चीज़ की नीड थी, एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट है. बेटा यहाँ जो अर्थ है, अर्थ डिनोट्स द फील्ड, बात एक ही है, चाहे खेत कहें या ज़मीन कहें. तो उस समय उनके खेत को या उनके खेत की ज़मीन को या तो डाउनपोर, डाउनपोर मीन्स तेज बरसात, या अशावर, शावर मीन्स हल्की सी भी बौछार यदि पानी की हो जाए वो भी उसके खेत के लिए सफिशियंट रहेगी, और अच्छी खासी बरसात हो जाए तो बहुत बढ़िया है. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, वन मिनट. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, had done nothing else but see the sky towards the north. आज सुबह से लेंचो ने कुछ भी नहीं किया था. Throughout the morning, यानी पूरी सुबह हो गई उसके लिए. Had done nothing else but see the sky towards the north. सुबह से बेचारा कुछ नहीं कर रहा था, केवल नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आसमान को देख रहा था. बार बार आसमान को देख कर, एक्चुअली ही वॉज ट्राइंग टू जज वेदर इट विल रेन और नॉट. वह ये देखने की कोशिश कर रहा था कि बरसात हो सकती है या नहीं हो सकती है. स्टूडेंट्स, बीच में एक लाइन है, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, यानी लेंचो जो अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था, पर्सनली जानता था. यहाँ पर ये लाइन इसलिए है क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि वॉट डज हिज फील्ड रिक्वायर फॉर अ बेटर हार्वेस्ट. उसे पता था कि उसके खेतों के लिए एक अच्छी फसल ग्रो करने के लिए किस चीज़ की नीड है, और वो नीड किस चीज़ की थी, वाटर की. वही वाटर की, या वाटर की नीड कैसे फुलफिल होगी, बरसात से. तो बरसात के इंतज़ार में बार बार नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आसमान की तरफ
देख रहा था और वो ये देखने की कोशिश कर रहा था, वो इस एक्सपेक्टेशन के साथ देख रहा था कि शायद उधर मुझे बादल दिखाई दे जाएं, क्लाउड्स दिखाई दे जाएं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, दिस इज़ द स्टेटमेंट स्पोकन बाय लेंचो टू हिज वाइफ। लेंचो अपनी वाइफ से कहता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। बोलो सुनो, ऐसा लग रहा है कि अब वाकई में हमें पानी मिलने वाला है। यह गोइंग टू गेट सम वाटर मीन्स गोइंग मीन्स इट इज़ गोइंग टू रेन। हम कहते हैं कि पानी पड़ रहा है या हम कहें बरसात हो रही है, बोथ आर द सेम थिंग। तो वो अपनी वाइफ से कह रहा है, बोलो सुनिए, आज तो ऐसा लग रहा है कि आज तो बारिश पड़ ही जाएगी, आज तो हमारे खेतों को पानी मिल ही जाएगा। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। उसकी जो वाइफ थी, यहाँ वुमन जो वर्ड यूज किया गया है, द वर्ड वुमन हैज़ बीन यूज्ड फॉर लेंचोज वाइफ। तो उसकी वाइफ जो सपर प्रिपेयर कर रही थी, स्टूडेंट्स सपर मीन्स लास्ट मील ऑफ द डे, यानी जो लास्ट खाना होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये डिनर ही हो, डिनर भी हो सकता है, और डिनर के बाद भी यदि हम हल्का फुल्का कुछ खाते हैं तो उसको हम सपर बोलेंगे। तो जो सपर रेडी कर रही थी, जो डिनर रेडी कर रही थी, वो डिनर बनाते बनाते कहती है, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान ने चाहा तो बारिश हो ही जाएगी। द ओल्डर बॉयज हु वर वर्किंग इन द फील्ड्स, सॉरी, द ओल्डर बॉयज वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम। जो बड़े बच्चे थे इनके, वो फील्ड में वर्क कर रहे थे, और जो छोटे छोटे बच्चे थे वो घर के ही पास में खेल रहे थे। फिर उनकी मदर ने उनको आवाज़ दे ली, उन्हें कॉल कर लिया। कॉल किस तरह से किया, कम फॉर डिनर, चलो आओ खाना खाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, वो लोग खाना खा ही रहे थे, इट वॉज द ड्यूरिंग मील, खाना खाते वक्त की बात है कि जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा लेंचो ने प्रेडिक्शन किया था, जैसा लेंचो ने होप किया था, जैसा लेंचो ने एक्सपेक्ट किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बहुत उमड़ते हुए बादल आते हुए दिख रहे थे। नॉर्थ ईस्ट साइड से बादल उमड़ उमड़ कर आते हुए देख रहे थे। यहाँ पर स्टूडेंट्स, द राइटर हैज रिटन ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, उसने एक इमेजिन किया है कि आसमान में बादल ऐसे इतने घनघोर बादल हो रहे थे कि नीचे से दूर से देख कर लग रहा था कि कोई माउंटेन है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बहुत ताजगी वाली और बहुत स्वीट यानी बहुत लवली हवा एयर हो गई थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। मैन मीन्स लेंचो, लेंचो इतना खुश हो गया था, बरसात देखकर इतना खुश हो गया था कि ही वॉन्टेड टू फील द ड्रॉप्स ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी, या हम कहें कि इतना खुश हो गया था कि वो बारिश में भीगना चाहता था। तो अपने आप को बारिश में भिगोने के लिए ही वेंट आउट, वह बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब बरसात में भीग कर वो वापस आया तो ही एक्सक्लेम्ड यानी वह बोलता है, वह बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। बोले ये जो आसमान से बरस रही है ना, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स, दे आर न्यू कॉइन्स यानी ये तो सिक्के बरस रहे हैं, सिक्के। स्टूडेंट्स हियर ही वॉन्ट्स टू से दैट रेन वाटर विल वाटर द क्रॉप, एंड वेन द क्रॉप विल गेट वाटर द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप विल इंक्रीज, एंड इंक्रीज्ड प्रोडक्शन विल गिव देम
इंक्रीज्ड सेविंग, जब बारिश पड़ेगी खेत में पानी लगेगा, खेत में पानी लगेगा तो क्रॉप अच्छी होगी, क्रॉप अच्छी होगी तो अच्छा हार्वेस्ट होगा, अच्छा हार्वेस्ट होगा तो उन लोगों की अर्निंग भी अच्छी होगी, उन लोगों की सेविंग भी अच्छी होगी। इसलिए उसने कहा है कि दीज आर नॉट द रेन ड्रॉप्स बट दीज आर न्यू कॉइन्स। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। उसने कंपेयर किया है कि जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट्स हैं और जो छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं रेन की वो 5 सेंट्स हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, जब उसने बरसात होते देखा तो वो बहुत खुश हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। अब उसकी सारी चिंता खत्म हो गई, अब उसको लग रहा था कि फसल बहुत अच्छी होगी, पूरे साल हम अच्छा पैसा कमाएंगे और पूरे साल हमको पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसलिए एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन उसके फेस पर था। एंड ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, ही रिगार्डेड द फील्ड क्रॉप द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। स्टूडेंट्स, रिगार्डेड मीन्स लुक्ड, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न मीन्स ही लुक्ड एट द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, यानी वो उस बड़ा संतुष्ट होकर, बड़ा सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ, एक संतोष के भाव, संतुष्टि के भाव के साथ वह अपने खेत की तरफ देखने लगा। और खेत उसका कैसा था? विद फ्लावर्स, जिसमें फूल लटक रहे थे, जिसमें फूल लगे हुए थे, ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, और जो एक बरसात की चादर से, बरसात के पर्दे से कवर्ड था। कहने का सेंस, जो पूरी तरह से बारिश से भीगा हुआ था। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू बिलो एंड अलोंग द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। तभी अभी सब कुछ सही था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेंचो वॉज वेरी हैप्पी एंड ही हैड शोन हिज सेटिस्फैक्शन। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू बिलो, लेकिन अचानक क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत तेज़ हवा चलने लगती है। सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू बिलो, बहुत तेज़ हवा चलने लगती है। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बरसात के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। हेल स्टोन्स मीन्स ओले, तो बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, और ये ओले, हेल आसमान से गिरते हुए ओले इस वक्त वाकई में क्वाइन, देखने में बिल्कुल क्वाइन जैसे लग रहे थे। हेयर द राइटर कंपेयर्स द शाइनिंग ऑफ क्वाइन एंड हेल्स, ओले और चमकते हुए सिक्कों में, ओले और सिक्कों में एक जैसी चमक होती है, इसलिए राइटर ने यहाँ पर कहा है कि रिजेंबल्स द सिल्वर क्वाइन। स्टूडेंट्स, रिजेंबल मीन्स लुकिंग सिमिलर, जब एक जैसा लगता है देखने में। कभी कभी हम कहते हैं कि यू रिजेंबल योर फादर, यानी तुम देखने में बिल्कुल अपने पापा जी जैसे लगते हो। तो यहाँ पर जो हेल्स हैं यानी ओले हैं, वो देखने में बिल्कुल सिल्वर कॉइन्स की तरह यानी चमकते हुए हैं, उनमें भी सेम शाइनिंग है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, जो बच्चे एक्सपोजिंग देमसेल्व टू रेन, जो बरसात में भीग रहे थे, जो बरसात में अपने आप को एक्सपोज कर रहे थे, एक्सपोज मीन्स टू बी इन ओपन, जो बरसात में भीग रहे थे, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, वो एकदम से उन फ्रोजन पर्ल्स को कलेक्ट करने के लिए दौड़े। फ्रोजन पर्ल्स द हैज बीन यूज फॉर हेल्स, फ्रोजन पर्ल्स यहाँ पर क्या, हेल, फ्रोजन मीन्स जमा हुआ एंड पर्ल्स मीन्स मोती, और जो ओले होते हैं वो मोती की तरह लगते हैं,
क्योंकि वो मोती की तरह शाइन करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली मोती नहीं होते हैं, वो तो फ्रोजन होते हैं, जमे हुए होते हैं, फ्रोजन वाटर होता है वो। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अरे अब तो मौसम बहुत बुरा हो रहा है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये तो बहुत बुरा हो गया, अब तो वाकई बहुत बुरा हो रहा है, एक्सक्लेम्ड द मैन। लेंचो जो अभी थोड़ी देर पहले बहुत खुश था, अब वो कहने लगा ये तो बहुत बुरा होगा, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये तो बहुत बुरा हो रहा है, आई होप इट पासेज क्विकली, काश ये बहुत जल्दी चला जाए। क्या जो स्टॉर्म है, हेल स्टॉर्म, उसके लिए बोल रहा है, द वर्ड इट हैज बीन यूज फॉर हेल स्टॉर्म, आई होप इट पासेज क्विकली, काश ये हेल स्टॉर्म जल्दी से गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं गुजरा, ऐसा नहीं था कि थोड़ी देर के ओले रहे हो, ओले बहुत लंबे समय तक पड़ते रहे। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, एक घंटे तक ओलों की बरसात होती रही। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, एक घंटे तक उसके घर पर, उसके घर के आसपास ओलों की बरसात होती रही। द गार्डन, गार्डन में बरसात हुई थी ओलों की। द हिल साइड, और पहाड़ी के सब तरफ ओले बरसे थे। द कॉर्न फील्ड, उसके खेत पर भी ओले बरसे थे। ऑन द होल वैली, पूरी उसकी पूरी घाटी में ओले बरसे थे। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा खेत सफ़ेद हो गया, एज इफ कवर्ड विद वाटर, जैसे कि नमक से ढका हुआ हो, जैसे कि किसी ने नमक बिखेर दी हो उस पर, एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसके खेत में जो कॉर्न थी, जो कॉर्न की क्रॉप थी, दैट वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, सारे फ्लावर्स प्लांट से झड़ गए, सारे फ्लावर्स प्लांट से अलग हो गए। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, अब लेंचो का मन बहुत परेशान हो गया, सोल मन, सैडनेस उदास। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो का मन बहुत उदास हो गया। वैन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब स्टॉर्म चला गया, जब स्टॉर्म ख़त्म हो गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो अपने खेत के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कह रहा था, जब ये तूफान ख़त्म हो गया तो वह अपने खेत में पहुंचा, खेत के बीच में जाकर खड़ा हुआ और अपने बच्चों से बोला, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट हैव लेफ्ट मोर देन दिस। स्टूडेंट्स, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। लोकस्ट बेटा एक इंसेक्ट होता है जो क्रॉप में लग जाता है और क्रॉप डैमेज कर देता है। प्लेग उनका एक ग्रुप होता है, हम पूरे स्वयं बोलते हैं उसको, झुंड होता है, ग्रुप होता है। तो यहाँ पर लेंचो वॉन्ट्स टू से दैट यदि इसमें कीड़े भी लग जाते, यदि इसमें इंसेक्ट भी लग जाते, तब भी कुछ तो बचता, लेकिन हेल स्टॉर्म ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, इस ओले की बरसात ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमको बिल्कुल भी कॉर्न नहीं मिलेंगे। द नाइट वॉज सॉरोफुल वन, और आज की रात उनके लिए बहुत परेशान, बहुत बड़े दुख की रात थी, क्योंकि पूरी रात, मैंने पहले ही बताया था, उनका दिमाग ख़राब रहा था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, नाउ लेंचो इज सेइंग कि हमारी सब मेहनत बेकार हो गई, हमारा सब वर्क बदले में क्या मिलेगा, नथिंग, यानी हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई, सारी मेहनत यूजलेस हो गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब हमारी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हमें भूखे रहना पड़ेगा, इस साल हमें भूखे रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस,
In the middle of the valley, there was a single hope. But in the heart or hearts of all who lived in that solitary house, all who lived in solitary house, तो स्टूडेंट्स उस सॉलिटरी हाउस में रहता कौन था? उसकी फैमिली, यानी कि ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी, सॉलिटरी मींस सिंगल, अलोन, तो उस सुनसान उस अकेले घर में जितने भी लोग रहते थे, यानी जितने भी उनके मेंबर्स थे उस फैमिली में, उन सब के मन में, उन सब के हार्ट्स में देयर वॉज अ सिंगल होप, केवल अब एक ही उम्मीद थी. और वो उम्मीद क्या थी? वो होप, वो एक्सपेक्टेशन, वो प्रॉमिस क्या था? हेल्प फ्रॉम गॉड, कि अब तो ईश्वर ही मदद करेंगे. डू नॉट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. लेंचो अपनी फैमिली को समझाते हुए कहता है, और माइट बी दिस दिस माइट बी द स्टेटमेंट ऑफ हिज वाइफ, कि डोंट बी सो अपसेट, इतने परेशान मत हो. इवन दो दिस सीम्स अ टोटल लॉस्ट, हालांकि सब कुछ नुकसान, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, सब सारा नुकसान हो गया, लेकिन फिर भी बहुत परेशान, बहुत अपसेट मत होइएगा. रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता. हमेशा याद रखिएगा कि भूखा कोई नहीं मरता. That's what they say. यही उन लोगों ने आपस में एक दूसरे को कंसोल करते हुए कहा. No one dies of hunger, कि भूख से कोई नहीं मरता है. All through the night, Lencho thought only of his one hope. पूरी रात लेंचो बस अपनी एक ही उम्मीद, यानी कि गॉड से हेल्प की उम्मीद के बारे में सोचता रहा. The help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything. जो जैसा कि उसे इंस्ट्रक्ट किया गया था, जैसा उसे लोगों ने बताया था, सोसाइटी ने बताया था, कि गॉड हुज आइज, जिनकी नज़रें, किसकी नज़रें बेटा? गॉड की निगाहें, हुज आइज, जिनकी नज़रें सी एवरी थिंग, सब कुछ देख लेती हैं. इवन व्हाट इज़ डीप इन वन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि किसी के मन में, किसी की इनर वॉइस में क्या चल रहा है, किसी के मन में क्या चल रहा है, वो भी ईश्वर की नज़र से नहीं बचता है. ईश्वर की नज़र ये भी पहचान लेती हैं कि किसी के मन में क्या चल रहा है. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन. स्टूडेंट्स, एन ऑक्स ऑफ मैन मीन्स वेरी हार्ड वर्किंग मैन. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन. लेंचो बहुत मेहनती, बहुत कहना चाहिए परिश्रमी व्यक्ति था. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वो खेत में बिल्कुल एनिमल्स की तरह वर्क करता था, जानवरों की तरह बहुत मेहनत करके वर्क करता था. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी लिखना जानता था. खेत में काम करता था, किसान था, लेकिन ऐसा नहीं था कि लिखना नहीं, वो लिखना जानता था. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. अगले संडे को at daybreak, यानी सुबह ही सुबह, sorry students, yes. The following Sunday at daybreak, यानी अगले जो next Sunday आया उसमें at daybreak, यानी in the early morning, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. He started to write a letter, उसने एक letter लिखना start किया जिसको वो खुद ही town लेकर गया and place in the mail, और mail में उसने put कर दिया. Mail means mail box बोल सकते हैं इसको, और we can say letter box. लेटर लिखने के बाद लेटर बॉक्स में ही डाला जाता है, एंड दैट इज़ द मेल. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और ये लेटर था वो कुछ नहीं था, क्या था ये? इट वॉज लेटर टू गॉड, ये लेटर गॉड के लिए लिखा गया था, जी ओ डी, गॉड. ही रोट, उसने क्या लिखा था लेटर में, क्या था? गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी,
गॉड से कह रहा है वो लेटर के थ्रू, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे, माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरी फैमिली और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। आई नीड 100 pesos, मुझे 100 pesos की नीड है इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू मीन्स फॉर द पर्पज ऑफ, यानी किस लिए, किस लिए नीड है, टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे अपने खेत में फिर से फसल लगाने के लिए, फिर से बीज बोने के लिए, सो मीन्स टू प्लांट, फिर से अपने खेत में क्रॉप प्लांट करने के लिए आई नीड 100 pesos एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक हम लोगों को सर्वाइव करने के लिए जब तक कि नेक्स्ट क्रॉप नहीं आ जाती है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने, अब उसने पूरी डिटेल बताया होगा कि क्योंकि हेल स्टॉर्म ने सारी क्रॉप डैमेज कर दी और वी हैव लेफ्ट विद नथिंग, हमारे पास कुछ नहीं बचा है, इस तरह से ही मस्ट हैव टोल्ड द होल इंसिडेंट। ही रोट टू गॉड, उसने ऊपर लिखा टू गॉड ऑन द एनवलप, एनवलप पर जहाँ एड्रेस पुट करते हैं हम लोग, एड्रेस ऑफ एड्रेस ही, तो उसने वहाँ पर ऊपर केवल गॉड का नेम लिख दिया, टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, अंदर लेटर रखा, स्टिल ट्रबल्ड, परेशान अब भी था, ये अंदर कहाँ, मेल में, लेटर बॉक्स में, सॉरी, पुट द लेटर इनसाइड, उस एनवलप के अंदर लेटर लिखा जिस एनवलप पर उसने लिखा था टू गॉड। तो ही पुट द लेटर इनसाइड द एनवलप एंड स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी वो परेशान था, अभी भी बेचारा बहुत परेशान था, वेंट टू टाउन, और उस लेटर को लेकर ही वेंट टू टाउन, टाउन चला गया। टाउन क्यों जा रहा है स्टूडेंट्स, लेटर पोस्ट करने। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन इट, ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, उसने पोस्ट ऑफिस से इस लेटर पर स्टैम्प लगाई और स्टैम्प लगाने के बाद ही ड्रॉप्ड द लेटर इनटू द मेल बॉक्स, उसने लेटर को लेटर बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, वहाँ एक एम्प्लॉय था जो पोस्टमैन भी था और पोस्ट ऑफिस में लोगों की हेल्प भी करता था, पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स की भी हेल्प करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, जब उसने वो लेटर देखा तो लेटर को देखकर बड़े हंसते हुए, बड़ा वो कहना चाहिए लाफिंग हार्टिली, यानी पूरे मन से हंसते हुए, उसके अंदर दिल से हंसी आ गई थी उसको, एंड शोड हिम, वो अपने उस लेटर को लेकर हंसते हुए अपने बॉस के पास पहुंचा और बॉस को जाकर उसने लेटर शो किया और कहा बोले लेटर टू गॉड, बोले देखिए सर गॉड के लिए लेटर है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन ही सॉरी हैड ही नोन द एड्रेस, अपने पोस्टमैन के पूरे करियर में उसने कभी भी ये एड्रेस किसी लेटर पर देखा ही नहीं था। द पोस्ट मास्टर अ फैट, पोस्ट मास्टर जो एक फैट पर्सन था बट एमिएबल, एमिएबल मीन्स फ्रेंडली, गुस्सा नहीं आता था, गुस्सा कम आता था उसको, वो एमिएबल था, फ्रेंडली था, फ्रेंडली नेचर का बंदा था, एमिएबल फेलो, एक फ्रेंडली नेचर का फेलो था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी लेटर को देखकर, लेटर के एड्रेस को देखकर ही ऑल्सो स्टार्टेड लाफिंग, वो भी एकदम ठहाके लगाकर हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन तुरंत जो पोस्ट मास्टर था ही इमिडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, तुरंत सीरियस भी हो गया वो। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, लेटर को डेस्क पर रखते हुए, पटकते हुए, टैपिंग यानी थोड़े से आवाज़ के साथ एकदम ऊपर से ही उसने पटका होगा, वो कहता है कमेंटेड, पोस्ट मास्टर बोलता है विथ व्हाट फेथ, बोले देखो यार क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, और पोस्ट मास्टर उसके फेथ से, जिसने भी लेटर लिखा यानी लेंचो के फेथ से इतना इम्प्रेस्ड हुआ, ही सेड आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरे अंदर भी गॉड को लेकर इतना फेथ होता जितना इस लेटर लिखने वाले में है।
स्टार्टिंग अप अ करस्पोंडेंस विद गॉड. बोले देखिए कितना विश्वास है, कितना फेथ है कि उसने गॉड से ही करस्पोंडेंस करस्पोंडेंस स्टूडेंट्स लेटर का जो आदान प्रदान होता है उसको करस्पोंडेंस बोलते हैं, है ना. तो बोले देखिए भगवान से लेटर भेजने और मतलब भगवान से लेटर के थ्रू बात करनी स्टार्ट कर दी, कितना भरोसा होगा इस बंदे को गॉड पर. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो मैंने अभी बताया इन ऑर्डर टू मीन्स विद द पर्पज ऑफ, तो राइटर के जो गॉड में फेथ था, यानी लेटर के राइटर का जो गॉड में फेथ था, कुल मिलाकर लेंचो का गॉड में जो फेथ था वो कहीं शेक ना हो जाए, उसका विश्वास ईश्वर में विश्वास टूट ना जाए, इसलिए द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया. पोस्टमास्टर के माइंड में एक आइडिया आया, बोले यार इस बंदे का विश्वास गॉड में हटना नहीं चाहिए, कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए. और वो आइडिया क्या था कि आंसर द लेटर, इस लेटर का आंसर दे देते हैं. उसने सोचा कि गॉड के बिहाफ पर इस लेटर का आंसर दे देते हैं तो जिस बंदे ने लिखा है उसको भी गॉड गॉड से भरोसा नहीं टूटेगा उसका और सेटिस्फैक्शन भी मिल जाएगा. बट व्हेन ही ओपन्ड इट इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल. लेकिन बट व्हेन ही ओपन्ड इट, जब उसने लेटर को खोला, इट वॉज एविडेंट, एविडेंट मीन्स स्टूडेंट्स क्लियर, इट वॉज एविडेंट तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, दैट टू आंसर इट के इसके आंसर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, एक अच्छा नेचर, एक अच्छा नेचर होने के साथ साथ भी ही नीडेड समथिंग मोर, उसे कुछ और चीज़ की नीड थी. यानी एक अच्छा, यदि ये सिंपल लेटर होता तो कोई बात नहीं है, गॉड से उसने कुछ पूछा होता उसका आंसर दे देते ये लोग, लेकिन वहाँ पर केवल एक अच्छी नीयत, एक गुडविल ही रिक्वायर्ड नहीं थी, वहाँ उनको लेटर का आंसर देने के लिए पैसे की नीड थी. बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन कोई बात नहीं, पैसे की नीड थी फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, जो उसने डिटर्मिनेशन लिया किया था, जो उसने प्रतिज्ञा की थी, जो उसने निश्चय किया था, जो रिजोल्यूशन किया था वो उस पर अडिग रहा. ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, वो अपने डिसीजन अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रहा. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अब उसे जब उसने देखा लेटर पढ़ के कि अरे इसने तो 100 पीसोज की डिमांड की है, तो उसने ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने एम्प्लॉयज से कहा बोले यार थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करो और इसको जो इसने गॉड से हेल्प मांगी है वो हेल्प करके देते हैं. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी से भी कुछ पार्ट दिया. एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग, और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स ने भी थोड़ा थोड़ा अमाउंट दिया. फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उन सब लोगों ने इसको एक चैरिटी समझकर पैसा दिया. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोज, लेकिन उसके बावजूद भी, सब लोगों से कलेक्शन करने के बावजूद भी वो लोग 100 पीसोज कलेक्ट नहीं कर पाए. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, 100 पीसोज तो कलेक्ट नहीं कर पाए लेकिन हाफ से थोड़ा सा अमाउंट था. हाफ कितना, 50 पीसोज से थोड़ा सा अमाउंट था उनके पास. ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उन्होंने जितना भी मनी कलेक्ट हुई वो सब एक एनवलप में रखी. एड्रेस्ड टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस लिखा एनवलप पर. एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उसके मनी के साथ एक लेटर भी लिखा रखा एनवलप में, और उस लेटर में लिखा हुआ नहीं था कुछ भी, केवल गॉड के सिग्नेचर की बने हुए थे. उन लोगों ने उसमें एक ब्लैंक पेपर पर गॉड के सिग्नेचर बना दिए ताकि लेंचो को ये लगे कि यस दिस मनी हैज़ बीन सेंट फ्रॉम द साइड ऑफ गॉड. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम. नेक्स्ट संडे होता है तो लेंचो सुबह वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में आ गया ये पूछने के लिए कि मेरे लिए मेरे नाम से कोई लेटर तो नहीं आया. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, पोस्टमैन ने
खुद अपने हाथ से लेटर लेंचो को हैंडओवर किया, वाइल द पोस्ट मास्टर जबकि पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंस द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। पोस्टमैन ने उसको लेटर दिया जबकि पोस्ट मास्टर एक बहुत ही कंटेंटमेंट, बहुत ही सेटिस्फैक्शन वाले एक्सपीरियंस के साथ, जो एक्सपीरियंस जब यानी कि जो अनुभव हमें तब होता है जब हम कोई बहुत ही अच्छा कर्म करते हैं, बहुत गुड डीड करते हैं। बेटा गुड डीड मीन्स बहुत अच्छा कर्म करते हैं, परफॉर्म मीन्स करना। तो जब हम कोई बहुत अच्छा कर्म करते हैं तो हमारे मन में जो हमारे सेटिस्फैक्शन होता है, बिल्कुल उसी सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग के साथ पोस्ट मास्टर लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ही ऑफिस से बैठा बैठा देख रहा था जब पोस्टमैन लेंचो को लेटर हैंड ओवर कर रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो तो बहुत इनोसेंट था, उसको तो मतलब उसके लिए कोई सरप्राइजिंग बात नहीं थी कि गॉड ने उसके लिए पैसे भेजे हैं, क्योंकि उसका फेथ इतना इनोसेंट था, इतना प्योर, इतना ट्रू फेथ था कि ही थॉट गॉड विल डेफिनेटली सेंड हिम मनी, तो उसके लिए कोई सरप्राइजिंग बात नहीं थी। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसे बहुत कॉन्फिडेंस था, पूरा कॉन्फिडेंस था कि गॉड उसकी हेल्प करेंगे ही करेंगे। बट ही बिकेम एंग्री वैन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब लेंचो ने पैसे गिने एनवलप के, उसको गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आ गया? गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, वो सोचने लगा ईश्वर से गलती नहीं हो सकती। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, बोले नहीं ईश्वर से मिस्टेक नहीं हो सकती। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही ईश्वर मना कर सकते हैं लेंचो के लिए जो लेंचो ने उनसे रिक्वेस्ट की थी। यानी कि ना तो गॉड से मिस्टेक हो सकती है और ना ही गॉड लेंचो की रिक्वेस्ट को डिनाई कर सकते हैं, ना ही गॉड लेंचो की रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर सकते हैं। डिनाई मीन्स रिफ्यूज। इमीडिएटली यानी तुरंत लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत लेंचो वापस विंडो पर जाता है और वहाँ विंडो से पेपर और इंक मांगता है, बोले सर एक पेपर दे दीजिए और इंक दे दीजिए। पहले वो कलम से लिखा जाता था ना, दवात में होती थी इंक पॉट में, इंक पॉट। तो ऑन द पब्लिक राइटिंग प्लेस, जो पब्लिक के लिए लिखने के लिए टेबल लगी हुई होती है, राइटिंग पब्लिक राइटिंग टेबल, उस पर वो पहुँचा। ही स्टार्टेड टू राइट, लिखना स्टार्ट कर दिया उसने लेटर। विद मच रिंकलिंग ऑन ऑफ हिज ब्रो, उसकी ब्रोज उसकी जो भौहें थी, ब्रो मीन्स आई ब्रो, उसकी जो भौहें थी उन पर बहुत रिंकलिंग, रिंकलिंग मीन्स फोल्ड्स, सलवटें। तो आई ब्रो बहुत सिकोड़ ली थी उसने, किस लिए सिकोड़ ली थी? कॉज्ड बाई द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, क्योंकि वो सोच रहा था कि मैं गॉड को क्या लिखूँ क्या लिखूँ क्या लिखूँ, तो वो आइडियाज सोचने के लिए उसकी रिंकल, उसकी ब्रोज में रिंकल्स आ गए थे। When he finished, जब उसने लेटर लिखना फिनिश कर लिया, he went to the window to buy a stamp, वो विंडो पर गया, उसने स्टैम्प परचेज किया, which he licked, जो उसने टंग से, ये स्टैम्प बेटा ऐसा होता है जो तो हल्का सा उस पर वाटर पानी लगा दें तो पानी से ही पेस्ट हो जाता है, इसके लिए गम की नीड नहीं होती है। तो इसने पानी के लिए उसको टंग से लिक किया, and he affixed to it. अफिक्स टू लेटर, और अफिक्स टू द इन्वलप विद अ बिलो ऑफ हिज फिस्ट, और उसने वो टंग से स्टैम्प लिख करके एनवलप पर लगाया, और एनवलप पर लगाने के बाद उसे मुट्ठी से, उसे ऐसे मुक्के से उस पर बिलो यानी कि हिट किया, जैसे अक्सर हम लोग करते हैं कि कोई चीज़ चिपकाने के बाद और उसमें मुट्ठी मारते हैं हाथ बंद करके। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही उसने मेल बॉक्स में, उसने लेटर बॉक्स में लेटर डाला, पोस्टमास्टर तुरंत उस लेटर को देखने के लिए उसे निकालने गया। इट सेड मीन्स हु सेड, द लेटर सेड। स्टूडेंट्स एक बात और समझिएगा कि किसी बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है, किसी बुक में कुछ लिखा हुआ है, न्यूज़पेपर में कुछ लिखा हुआ है, तो वी से इट सेज, इट सेड यानी कि लेटर में लिखा हुआ था गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर यू,
यानी जिस पैसे की मैंने आपसे डिमांड की थी, आस्क फॉर यू, जिस पैसे की मैंने आपसे डिमांड की थी, ओनली 70 pesos रीच्ड मी, केवल 70 pesos मेरे पास पहुँचे हैं. सेंड मी द रेस्ट, बाकी के पैसे तो भेज दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, बोले बाकी के जो बचे पैसे हैं वो भी भेजिए क्योंकि मुझे बहुत नीड है उनकी. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे चिट्ठी इस मेल, इस पोस्ट के थ्रू मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज है ना गॉड, ये सब के सब बदमाश हैं, सब के सब बेईमान हैं, डिसऑनेस्ट पर्सन हैं, अ बंच ऑफ क्रूक्स यानी यहाँ सब डिसऑनेस्ट पर्सनस हैं. और नीचे लिखा उसने लेंचो, अपना नेम लिख दिया. तो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द चैप्टर. ध्यान से पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा. इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल मीट विद द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. ओके, थैंक यू.